हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आप सभी का दीप टैग यूट्यूब चैनल में। गाइज, आपको इस चैनल पर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेगी, तो अभी से दीप टैग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो गाइज़, आज मैं देने वाला हूँ आपको एक न्यू अगेन एपीएन सेटिंग। तो ये एपीएन सेटिंग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और जैसे कि आज संडे का दिन है तो गाइज आज आपको काफ़ी ज़्यादा नेट स्लो की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही होगी अपने डिवाइस के अंदर। तो गाइज आपके पास कोई से भी नेटवर्क हो, हर एक नेटवर्क पर ये एपीएन सेटिंग काम करेगी, और हो सकता है, हो सकता नहीं गाइज, होगा इस एपीएन सेटिंग के थ्रू आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो इतनी हो जाएगी कि आप अपने नेट को अच्छा खासा चला पाओगे। और मैं ये नहीं कहता कि आपकी जो डाउनलोड स्पीड है वो 50 MB या 60 MB चली जाएगी, बट इतना है गाइज आपकी जो डाउनलोड स्पीड होगी और अपलोड स्पीड होगी वो आपको इतनी स्पीड दे देगी कि आप अपने फ़ोन से, अपने नेट से संतुष्ट रहोगे। आपको कोई भी ब्राउजिंग करने में कुछ भी नुकसान नहीं होगा, मतलब स्लो देखने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ भी करने के लिए स्लो नहीं होगा, चाहे उसमें आपके डाउनलोड हो और अपलोड ही क्यों ना हो। तो गाइज चलते हैं सेटिंग की तरफ। तो सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में आपको जाना होगा सबसे पहले, और यहाँ पर डुअल सिम में जाना है। डुअल सिम मोबाइल नेटवर्क में जाने के बाद आप वो वाला सिम सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें आपको ये वाली सेटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे सिम टू को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम, तो आपको इस पर क्लिक करना है और साथ में यहाँ पे ओपन हो जाएगा एक डिफ़ॉल्ट एपीएन जो कि है जियो का। और ये जो डिफ़ॉल्ट एपीएन है आप इसकी सेटिंग देख सकते हो, तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट एपीएन है जिससे मुझे काफ़ी कम स्पीड मिल गई है आज। तो गाइज़ अभी हम चलते हैं बैक, और बैक जाने के बाद डिफ़ॉल्ट एपीएन से छेड़खानी नहीं करनी है, प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक न्यू एपीएन बनाना है। तो न्यू एपीएन में गाइज़ सबसे पहले आपको नेम लिखना है, नेम में लिखना है एक्स मून LTE इंटरनेट। तो गाइज़ आपको ये लिखना है एक्स मून LTE इंटरनेट, लिखने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद एपीएन आएगा, तो एपीएन में गाइज़ यहाँ पर आपको जियो वालों को लिखना है जियो नेट, एयरटेल वालों को यहाँ पे लिखना है airtel.gprs.com, वोडाफोन वालों को लिखना है www, आइडिया वालों को लिखना है इंटरनेट, और BSNL वालों को यहाँ पे लिखना है BSNL.net। लिखने के बाद इसको ओके करना है। ओके करने के बाद नेक्स्ट आएगा प्रोक्सी पोर्ट, नो सेट रहेगा। यूजर नेम में आपको यहाँ पे लिखना है xmoon.speed.4G। तो गाइज आपको यूजर नेम में ये लिखना है xmoon.speed.4G। जो चीज़ कैपिटल में है वो कैपिटल में, और जो चीज़ स्मॉल में है स्मॉल में, जहाँ पे डॉट लगा हुआ है वहाँ पे डॉट लगाना है। तो ओके करना है। इसके बाद आप आएगा पासवर्ड, नो सेट रहेगा। सर्वर में आपको यहाँ पे गाइज गूगल का सर्वर देना है आज, GOOGLE.com, ये आपको देना है। ओके करना है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा MMSC MMS प्रॉक्सी MMS पोर्ट, ये नो सेट रहेगी तीनों। MCC MNC आपका एरिया कोड है, ये भी सेम टू सेम रहेगा, जो पहले से होगा वही रहेगा। ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको क्लिक करना है लास्ट वाले पे PAPOCHAP पे। इसके बाद गाइस एपीएन टाइप आता है, तो एपीएन टाइप में जिनकी डिवाइस में डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है वो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो डिफ़ॉल्ट को लिख लीजिएगा। लिखने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद एपीएन प्रोटोकॉल आएगा, तो इसमें गाइस आपको क्लिक करना है IPv4/IPv6 पे। इसके बाद नेक्स्ट आएगा गाइज एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल, तो इसमें भी आपको क्लिक करना होगा IPv4/IPv6 पे। और गाइज लास्ट आता है BRR, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एपीएन सेटिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको अनस्पेसिफाइड पे टिक मिलेगा, उसको वहाँ से अनटिक करना है, और आपको जोन से सेलेक्ट करना है। उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 तारीख कल को इसी टाइम के आसपास 12 से 12:30 बजे के बीच एक वीडियो आएगी, उस वीडियो को प्लीज़ देखना। अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो आप समझ जाओगे कि एपीएन सेटिंग से आपकी स्पीड कितनी बढ़ सकती है, कितनी नहीं बढ़ सकती है, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। उस वीडियो में आपको गाइज इंटरनेट से रिलेटेड हर एक टॉपिक का फुल एंड फाइनल मिल जाएगा। तो कल जो वीडियो आएगी गाइज प्लीज़ उसे पूरा देखना, और आई होप आपकी सभी जो मतलब क्वेश्चन होते हैं वो सब सोल्व हो जाएंगे कल की वीडियो देखने के बाद। तो गाइज यहाँ पे आते हैं BRR पे, तो सबसे पहले आपको LTE सेलेक्ट करना है। इसके बाद HSPAP HSPA HSDPA UMTS EDG GPRS EHRPD AV DO O0 जो भी है गाइज ये वाले आपको सेलेक्ट करने हैं। करने के बाद गाइज अगर आपके डिवाइस में एक ही सेलेक्ट होता है तो आप LTE को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओनली LTE को।
तो इसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस इसे पिन सेटिंग को सेव करना है। सेव करने के बाद अगर आपको ये पिन सेटिंग यहाँ पे शो हो जाती है, इसका मतलब आपने ये पिन सेटिंग सही की है। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं होती है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ की है, उसको दोबारा से चेक कर लीजिएगा। तो गाइस अब हम करते हैं इसे पिन सेटिंग को स्टार्ट। तो स्टार्टिंग के दौरान आपको इंटरनेट और एपीएन हो सकता है आपका चला जाए या ना जाए, तो कुछ भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है जब हम एपीएन चेंज करते हैं। तो एपीएन चेंज के दौरान इंटरनेट चला जाता है, फिर आप भी जाता है, तो जैसे कि मेरा आ चुका है और एपीएन भी एक्टिव है। तो इसको करने के बाद गाइज आपको आना है बैक। बैक आने के बाद गाइज आपको सिंपली अपने डिवाइस को रिबूट या फिर स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है, और उसके बाद आपको अपने डिवाइस में इंटरनेट चला के देखना है। तो गाइज जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपकी हर एक मतलब आज के दिन के लिए तो गाइज पक्का आपका 100% नेट चल जाएगा जितना आपको चलाना है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ, तब तक सी यू लेटर, बाय।